नमस्ते भाई कैसे हैं आप सभी लोग और आज बताई दो कमेंट में कि आप कैसे हो घर वाले कैसे हैं पड़ोसी कैसे आपको जला रहे हैं मुझे बता दो आज खुल्लम खुल्ला और भाई साहब एसएससी ने इस साल अपना पहला पेपर कराया था एसएससी जीडी का उसके बाद चुनाव की वजह से विराम लग गया जून से दोबारा पेपर करवाएगा तो एसएससी जीडी में जो बेस्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे जी शिफ्टों में वो मैं आपको करवा रहा हूं दो पार्ट में वीडियो है पार्ट वन मैंने पढ़ा दिया है जिसमें पच्चीस सवाल थे ये इस वीडियो का पार्ट टू है जिसमें मैं आपको एस एस के अगले बेस्ट पच्चीस क्वेश्चन करवाऊंगा यानी कि टोटल पचास क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए ठीक है मेरे दोस्तों यानी कि आपको बारह सो तेरह सो क्वेश्चन जी के करने की जरूरत नहीं है केवल आप ये पचास सवाल कर लो यानी कि मैंने आपकी मेहनत को बटे पच्चीस कर दिया जहां को 25 बार हथौड़ा मारना था मैं एक ही बार हथौड़ा लगवा रहा हूं रिजल्ट उतना ही आएगा आपको यह वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद है जो बच्चे सीपीओ का पेपर देने वाले हैं जो बच्चे सिलेक्शन पोस्ट का पेपर देने वाले हैं सिलेक्शन फेस 12 का पेपर देने वाले हैं और जो बच्चे मेरे दोस्तों यूपी कॉन्स्टेबल का पेपर दोबारा से देने वाले हैं ठीक है ना और रेलवे के जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है सारे क्वेश्चंस इसमें अर्थमेटिक के हैं शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखना और मेरे साथ इन 25 सवाल को जरूर सॉल्व करना ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को दोस्तों के साथ जो है शेयर करो जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इन बेस्ट पचास क्वेश्चंस की पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा देंगे मेरे दोस्तों देखो ये, ये पार्ट वन अपलोड हो चुका है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो फायदा ये है कि किसी भी एग्जाम की नोटिफिकेशन हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन प्रीवियसर की पीडीएफ यहां पे मिल जाएगी जैसे आज ही हमने सिलेक्शन पोस्ट एट नाइन टेन और इलेवन इन सभी की मैथ्स की जो बायलिंगल पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे फ्री अपलोड करवा दी है सारी ही जो है सारी क्वेश्चन और विद सॉल्यूशन के साथ सॉल्यूशन भी इसमें लगी हुई है भाई आंसर की भी इसमें लगी हुई है ठीक है ना तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है बच्चों को इस टेलीग्राम चैनल का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है ये पूरा पूरी एजुकेशन की फील्ड में पंद्रह लाख स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस पे ठीक है ना कि बच्चों को वाकई में फायदा होता है हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे तो बच्चों ये पीडीएफ है इसमें अच्छी खास बात क्या है कि आपको जिस चैप्टर पे जाना उस पर सीधी छलांग मार सकते हो आपको डिस्काउंट पढ़ना है डिस्काउंट पे क्लिक करो सीधा डिस्काउंट खुल गया ग्रेजुएशन लेवल टेंथ लेवल हायर सेकेंडरी लेवल सबके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पहले क्वेश्चन है फिर नीचे उनके सोल्यूशन है फ्री में चीज मिल रही है ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाओ फ्री में तो बेटा कोई गाली भी नहीं देता आजकल हम तो आपको गणित के सवाल दे रहे हैं वो भी थोक के भाव में ठीक है भाई साहब शुरू करते हैं सवाल शुरू करेंगे भाई साहब ये देखो क्वेश्चन नंबर आएगा आपके सामने वन कॉपी पेन लेके बैठो ठीक है जोश के साथ आग लगनी चाहिए सवाल नंबर है छब्बीस पच्चीस क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं जिसने पार्ट वन नहीं देखा है वो पार्ट वन देख लेना बाद में पहले ये देख लो अब राहुल को उसी राशि पर तीसरे साल में उन्तीस सौ छियानवे रुपए और दूसरे साल में चौदह सौ रुपए का ब्याज मिलता है यदि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि पर उधार दिया गया तो ब्याज की दर क्या है राहुल को सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिला राहुल को सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिला बेटे चौदह सौ रुपए और राहुल को उसी राशि पर थर्ड ईयर तीसरे साल में कितना ब्याज मिला राहुल को थर्ड ईयर में कितना ब्याज मिला तो आप कहोगे सर उन्तीस सौ छियानवे रुपए आपको पता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के जो ब्याज है वो जीपी में होते हैं यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि यही चौदह सौ रुपए जो हैं उनतीस सौ छियानवे बने यानी कि कितना बढ़ गया मेरे दोस्तों तो ये बढ़ गया पंद्रह रुपए बढ़ गया मेरे दोस्तों कितने पर चौदह सौ रुपए पर परसेंटेज में कितना बढ़ा इंटू सौ परसेंट तो आप मेरे प्यारे भाई बताओ ये जाएगा चौदह कम चौदह चौदह कम चौदह चौदह चौका छप्पन एक सौ चौदह परसेंट एक सौ चौदह परसेंट आपका पैसा बढ़ गया सेकंड ईयर से थर्ड ईयर जाने में यानी कि ब्याज की दर एक सौ चौदह परसेंट परे नाम है इतना बढ़िया अगर कोई ब्याज देने लगे तो मैं पढ़ाना छोड़कर ब्याज पर पैसा उठाने लगूं इतना ब्याज देता ही नहीं कोई आगे चले सवाल नंबर सत्ताईस बेटे आपके सामने गोरा सवाल एक गोले की रेडियस फोर है गोले का आयतन क्या है गोले का आयतन का फॉर्मूला हर कोई जानता है चार बटे तीन पाई आर क्यूब पाई का मतलब है दोस्त बाईस बटे सात है ना रेडियस कितनी टू का क्यूब फोर पॉइंट टू का क्यूब अब एक बात जानने वाली है मेरे प्यारे भाई यहां दशमलव के बाद एक अंक है जब मैं क्यूब करूंगा तो दशमलव के बाद तीन अंक आएंगे हर ऑप्शन में दशमलव के बाद तीन अंक है। बताओ देखो मेरे दोस्तों बाईस छुपा हुआ है तो बाईस यानी कि आंसर ग्यारह से कटने वाला होगा बयालीस में बयालीस होता है चौदह चौदह तीन आ रहा है बेटा चौदह तिया बयालीस यानी कि बयालीस में चौदह भी है तीन भी है तीन का क्यूब है नीचे एक तीन है यानी कि एक तीन कट भी जाएगा तो आंसर नौ से भी कटने वाला होगा आंसर ग्यारह से भी कटेगा नौ से भी कटेगा बयालीस में सात भी आता है एक साथ कट जाएगा लेकिन पावर तीन की वजह से एक साथ और बचेगा आंसर ग्यारह से भी कटेगा नौ से भी कटेगा सात से भी कटेगा ठीक है भाई साहब देखते हैं ग्यारह से कौन सा कटता है तीन आठ ग्यारह ग्यारह बारह चार दो छह छह बारह ऑप्शन ग्यारह से कटता है ठीक है भाई ये ग्यारह से कटता है क्या तीन नौ बारह बारह दो चौदह दो तीन पांच पांच दस ग्यारह से नहीं कटता दो चार छह दो आठ और आठ छह बारह सॉरी आठ छ चौदह चार अठारह ये नहीं कटता ग्यारह से यह ग्यारह से कट रहा है क्या तीन तीन के तीन और छ नौ एक चार चार आठ नौ ये भी ग्यारह से कट रहा है तो पहला और चौथा ऑप्शन ग्यारह से कट रहा है आंसर नौ से भी कटेगा ये नंबर नौ से कट रहा है क्या छीन नौ आठ एक नौ चार दो छ यह नंबर नौ से नहीं कट रहा यानी कि आंसर यह हो जाएगा नंबर नौ से भी कट रहा है ग्यारह से भी यही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बात खत्म देखो सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम है आप यहां पे यूनिट डिजिट डिजिटल सम ये तरीके लगाओगे डिविजिबिलिटी रूल चेक करोगे तो ही सवाल जल्दी होगा वरना तो आप कुछ कर नहीं पाओगे अगला सवाल है एसएससी जीडी 2024 का बनाए पृथ्वी के पास पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात दस तेरह है भाई मैंने तो कब से ना खाई नाशपाती ना खाई ना आड़ू तैलीन के पास नाशपाती आड़ू का अनुपात सात है विक्रम के पास नाशपाती आड़ू का अनुपात पांच सात है नाशपाती और आड़ू का अनुपात किसके पास अधिक है यानी कि सबसे ज्यादा रेशियो किसके पास है नाशपाती और आड़ू का पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू का रेशियो दस तेरह है सेलिन के पास नाशपाती की अंग्रेजी भी सीख लेते हैं सेलिन और आड़ू की खतरनाक है आड़ू का अनुपात पांच सात है मैक्सिमम है आप चाहे तो भाग भी दे सकते हो या फिर इन फ्रैक्शन को कंपेयर भी कर सकते हो इच्छा आपकी है आप फ्रैक्शन को कंपेयर भी कर सकते हो देखो दो फ्रैक्शन को कंपेयर करने का बेस्ट तरीका जैसे मुझे जैसे मुझे इन दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर करना है कि इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो नौ दुसाम नब्बे और तेरह सत्ते इक्यानवे नौ दुशाम नब्बे और तेरह सत्ते इक्यानवे नब्बे आएगा ये इक्यानवे आएगा आएगा कि नहीं आएगा तो नब्बे से बड़ा होता है इक्यानवे समझ में आई बात की नहीं आप बोलोगे हां जी सर यानी कि ये वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी ठीक है ना बात समझ में आई आपको तो दस बटे तेरह तो छोटा हो गया अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते इन दोनों में देखो सात ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो सात सत्ते नौ पंजे पैंतालीस आएगा ये पैंतालीस आएगा तो उनचास बड़ा होता है पैंतालीस से यानी कि ये वाली फ्रैक्शन इन दोनों में ये वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी मुझे सबसे बड़ी देखनी थी ये भी छोटी हो गई तो सात बटे नो सबसे बड़ा है नौ दुशाम नब्बे तिर इक्यानवे सात बटे नो सबसे बड़ा है यानी कि सवाल का आंसर है सेलिन सेलिन है ना सेकंड नंबर पे सेलीन अच्छा सेलिन नाम था बेटा नाशपाती की अंग्रेजी नहीं थी नाशपाती की अंग्रेजी है पियर्स और आड़ू की है पीचिस एसते सेलिन के पास सबसे ज्यादा रेशियो है नाशपाती और आड़ू का सेकंड नंबर पे ये हो गया मेरे दोस्तों आगे चलते हैं सवाल नंबर होगा भाई साहब २९ जी सवाल नंबर उन्तीस एवरेज का क्वेश्चन है बोला पैंतीस कर्मचारियों की एवरेज इनकम के है मैनेजर की इनकम भी शामिल कर ली जाए तो एवरेज उन्नीस हजार रुपए हो जाता है मैनेजर की इनकम चौवन हजार रुपए है मैनेजर की इनकम तो के का मान क्या है देखो भाई साहब मुझे पैंतीस लोगों की एवरेज इनकम निकालनी है पैंतीस लोगों की एवरेज इनकम के है अब एक मैनेजर और आता है एक मैनेजर जिसकी एवरेज इनकम चौवन हजार रुपए है और एक मैनेजर के आने के बाद जिस सारे लोगों की एवरेज इनकम उन्नीस हजार रुपए हो जाती है क्या लग गया ये एलिगेशन क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा मेरे दोस्तों एवरेज इनकम पे एलिगेशन लगाएंगे तो किसका रेशियो आ जाएगा नंबर ऑफ पीपल का पैंतीस लोगों की एवरेज इनकम की है एक मैनेजर की चौवन हजार है मैनेजर आया सारे लोगों की एवरेज इनकम क्या हो गई है? अब अब औसत आए उन्नीस रुपए हो जाती है के कमान आपको निकालना है आप बताओ चौवन में से 19 घटाएंगे कितना आएगा मेरे दोस्तों पैंतीस हजार थर्टी फाइव की वैल्यू पैंतीस हजार है तो एक की वैल्यू कितनी एक हजार, आप बोलोगे हाँ जी सर आप बताओ ये मीन वैल्यू से बड़ा है उन्नीस से बड़ा है चौवन मीन तो वैल्यू से छोटा आएगा उन्नीस से छोटा आएगा कितना छोटा उन्नीस हजार से हजार छोटा आएगा यानी कि तो का मान है आंसर है यहां पर बी ऑप्शन ठीक है सभी बच्चे कर पाएंगे इजी सवाल है आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलू कि कैरवेल पर हमने बहुत रेवोल्यूशन वाला काम किया है कि अब जितने भी बैच हैं उन सभी बैच की वैलिडिटी दो साल है यानी कि अगर कोई बच्चा कैरवल पे हमारे साथ लाइव क्लास में या रिकॉर्डेड क्लास में जुड़ के पढ़ाई करता है तो 2024 के सारे पेपर 2025 के सारे एग्जाम और 2026 के भी शुरू के छह महीने के पेपर वो एक ही सिंगल बैच से तैयारी करके दे पाएगा और हमने फीस को भी बहुत कम कर दिया है जिससे कि गांव देहात में बैठा हुआ बच्चा भी उसको पकड़ पाए उसके बहुत सारे कारण भी हैं क्योंकि पिछले कई महीनों से एस का कोई पेपर हुआ नहीं है रेलवे की वैकेंसी इस बार आई है यूपी कांस्टेबल का भी पेपर होना है दरोगा का भी पेपर होना है तो ये साल गांव वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कीमती है अब जो है मेरे दोस्तों मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि लोगों के पास अच्छा फोन नहीं होता इंटरनेट रिचार्ज का पैसा नहीं होता वो बैच के पांच सौ की फीस दे पाने भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है इसलिए मैं किसी बच्चे को फोर्स भी नहीं करता कि वो किताब ले वो टेलीग्राम चैनल से हमारी पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ ले उसका काम आसान हो जाएगा कैरविल एप्लीकेशन पर बहुत ही कम प्राइस में अर्थमेटिक और एडवांस दोनों के अलग अलग स्पेशल वीओडी आप ले सकते हैं मात्र 600 600 की फीस में लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई बच्चा पूरा ही एस तैयार करना चाहता है जिसमें जिसमेंटिक्स भी पूछा जाता है और एडवांस भी पूछा जाता है तो अर्थमेटिक में ही मिल जाएगा एक हजार में यानी कि आप तीन हजार रुपए में पूरे एस की तैयारी कर लोगे वो घर बैठे और एक जमाना था कि जब तीन में तो आप पंद्रह दिन का किराया नहीं ले पाते दे पाते थे रूम रेंट ही दस हजार होता था मुखर्जी नगर में एक जमाना था और आज तीन हजार में घर बैठे आप एसएससी की पूरी तैयारी कर कर रहे हो केवल हमने एजुकेशन को सस्ता नहीं किया हमने एजुकेशन को सबसे बेहतर करके दिखाया है सबसे सस्ते दाम में ठीक है और हम उस पर भी बहुत काम कर रहे हैं मैं हमारी पूरी टीम गोपाल सर है हमारे रीजनिंग वाले पीयूष सर है हमारी जीएस की पूरी टीम है सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाली टीम है सबसे ज्यादा और हमारा जो है हमारा नाम बोलता है हमारे सिलेक्शन बोलते हैं हमारे लगे हुए लड़के बोलते जो अलग अलग एग्जाम में सिलेक्टेड हैं तो कोई बच्चा अगर ये बैच ज्वाइन करना चाहता है तो 10 मई से हमारा ये VOD बैच ज्वाइन कर सकता है ये जो हमारा लाइव बैच रिसेंट खत्म हुआ है ये उसी की रिकॉर्डेड क्लास है ठीक है इसमें बिल्कुल आपको बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा कुछ भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी मैं केवल आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप क्लास कंप्लीट कर लो आपने क्लास पूरी देख ली मन भर कर मन भर के तो आपको ना प्रिवेशन लगाना है ना आपको कोई अलग से प्रैक्टिस करनी है मैं आपको अलग से कोई शीट सॉल्व करने के नहीं दूंगा जो भी मैं करवाऊंगा क्लास में करवाऊंगा और उसके बाद आप डायरेक्ट पेपर में करोगे मॉक्स लगाने के बाद मॉक्स आपको लगाने पड़ेंगे भाई ठीक है दस मई से बैच शुरू बैच जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे आपको एक ही बार में सारी वीडियोज मिल जाएंगी सारे चैप्टर की रिकॉर्डेड ठीक है ना आपको परेशानी होना पड़ेगा कि मुझे प्रॉफिट लॉस पहले पढ़ना है तो मैं उस चैप्टर का इंतजार करूं शुरू होने का आपके पास वीडियो आप पढ़ना शुरू करिए आप एक दिन में कई कई वीडियो टू एक्स थ्री एक्स की स्पीड में देख के दो ढाई महीने में सिलेबस भी जल्दी खत्म कर सकते हैं ठीक है बहुत सारी सुविधाएं इसमें आपके पास होंगी ठीक लेकिन बैच आपको इस प्राइस में तभी मिलेगा जब आप हमारी वेबसाइट से लोगे डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट कैरविल डॉट कॉम एप्लीकेशन से बेच लोगे तो गूगल वह बैठा है थर्टी परसेंट टैक्स लेने के लिए वो बचाना है तो वेबसाइट से आप बेच लीजिएगा ठीक है भाई ओके सवाल नंबर है थर्टी आपके सामने बोला है उस त्रिभुज की हाइट बताएं जिसका बेस हाइट का पांच बटे सात गुना है और जिसका एरिया अट्ठारह पॉइंट दो जीरो तीन वर्ग सेंटीमीटर है हाइट आपको बतानी है देखो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है एक बटे दो बेस गुणा हाइट अगर ट्राइंगल की हाइट एच है तो बोला है ट्राइंगल का जो बेस है वो हाइट का पांच बटे सात गुना है ट्राइंगल का जो बेस है वो हाइट का पांच बटे सात गुना यानी कि फाइव बाई सेवन एच ये त्रिभुज का आधार है आधार ऊंचाई का पांच बटा सात हिस्सा है तो एरिया क्या आएगा त्रिभुज का त्रिभुज का एरिया आ जाएगा एक बटे दो आधार फाइव बाई सेवन एच गुना ऊंचाई और ये त्रिभुज का एरिया क्या दे रखा बड़ा खतरनाक सा दे रखा एटीन पॉइंट देखो मेंसुरेशन तो हर एग्जाम में आता है अगर किसी एग्जाम के सिलेबस में मेंसुरेशन लिखा भी नहीं है ना तो भी मेंसुरेशन के सवाल उसमें आते हैं तो यहां से H गुणा एच एच स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बेटा 18.203 पॉइंट गुणा उधर जाएगा दो सत्ते चौदह नीचे चौदह बटे चौदह बटे पांच आएगा जी टू पॉइंट एट टू पॉइंट एट अब मुझे अंडर रूट लेना है भाई साहब देखो आठ तो आएगा नहीं और दो भी नहीं आएगा ना चौदह आएगा लगभग सात आएगा देखो ये नंबर क्या है ये नंबर है अठारह ये नंबर क्या है टू पॉइंट एट अगर मैं अट्ठारह की तीन में भी गुणा करूं तो चौवन होता है अगर अट्ठारह की तीन में भी गुणा करूं तो चौवन होता है अट्ठारह की टू पॉइंट एट में गुणा हो रही है तो चौवन से कम आएगा यानी कि लगभग पचास के नजदीक आएगा ये अगर एच स्क्वायर पचास है तो अंडरूट लूंगा तो पचास का अंडरूट लगभग सात के नजदीक आएगा अप्रोक्स सेवन के नजदीक सेवन के नजदीक ना ये आंसर है ना ये है ना ये है ये आंसर है आप इकाई का अंक भी मैच कर सकते हैं इकाई का अंक भी मैच कर सकते हैं कि भैया यहां पर आठ चौबीस इसका मेरे दोस्तों चार आ रहा है अनरूट लोंगे तो इकाई का अंक या तो चार आएगा मेरे दोस्तों या दो आएगा सॉरी आठ चौबीस चार आ रहा है नहीं, 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 नहीं। चार तो या तो दो का आता है या आठ का आता है यानी कि सवाल के आंसर ये अप्रोक्स है ये अप्रोक्स आंसर दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई तो अप्रोक्स आपको चेक करना चाहिए फिर ठीक है ना आंसर अप्रोक्सी चेक करना चाहिए आपको ए ऑप्शन है आंसर मैंने मेरे दिमाग में सबसे पहले आया और अप्रोक्स पे ए आ रहा है मेरे दोस्तों ठीक है ना यूनिड से गड़बड़ हो रही है आगे चलेंगे वो कि आंसर अप्रोक्स है इकतीसवां सवाल बोला एक कुर्सी का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से दस ज्यादा है कुर्सी का जो एमआरपी है वो कॉस्ट प्राइस से दस ज्यादा है ग्यारह रुपए का डिस्काउंट के बाद कुर्सी एक सौ बत्तीस रुपए में बेची जाती है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से दस परसेंट ज्यादा दस परसेंट कितना होता है इकबे दस अगर कॉस्ट प्राइस दस है तो मार्क प्राइस ग्यारह है बताओ ग्यारह रुपए की छूट के बाद एक रुपए में कुर्सी बेची जाती है सेलिंग प्राइस एक तो आप क्या यहां से मार्क प्राइस नहीं निकाल सकते क्या आप यहां से मार्क प्राइस नहीं निकाल सकते पेन देखो आप इस पेन को मैंने एक रुपए में बेचा और मैंने ग्यारह रुपए का डिस्काउंट दिया है इस पेन को मैंने एक रुपए में बेचा और मैंने ग्यारह का डिस्काउंट दिया है तो पेन का एमआरपी क्या रहा होगा सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट जोड़ देंगे एक पेन का एमआरपी 143 होगा 143 पे 11 का डिस्काउंट देंगे 143 में से 11 घटाएंगे तभी तो सामान 132 में बिकेगा तो पेन का मार्क प्राइस 143 है मैंने मार्क प्राइस क्यों निकाला यहां से सीपी आ जाएगा 11 की वैल्यू 143 है तेरह गुना तो 10 की वैल्यू भी तेरह गुना आ जाएगी यानी कि ₹130 तो भैया ये जो चेयर है चेयर का सीपी 130 हो गया 130 आपसे पूछा प्रॉफिट कितना परसेंट होगा आप बताओ टीयर का सीपी एक सौ तीस है एक सौ तीस का सामान बेचा कितने में एक सौ बत्तीस में आपने बेचा है एक सौ तीस की क्रिय मूल्य वाली वस्तु एक सौ बत्तीस में आपने बेकी है तो एक सौ तीस पे दो रुपए का फायदा हुआ दो रुपए का ठीक है ना ओके 130 पे दो रुपए का फायदा हुआ है मेरे प्यारे भाई ए, परसेंटेज में कितना आएगा बेटा परसेंटेज में निकालना इन टू हंड्रेड परसेंट आ जाएगा बताओ जीरो से जीरो बीस बटे तेरह आएगा भाई तेरह कम तेरह सात बज जाएगा तेरह पंजे पैंसठ तो लगभग वन पॉइंट फाइव परसेंट के आसपास बी ऑप्शन वन पॉइंट फाइव थ्री परसेंट का आपको फायदा हुआ है पूरा भाग करने की जरूरत नहीं डेढ़ बार जाएगा लगभग जो कि बी ऑप्शन है बात समाप्त अच्छा सवाल था ये जीडी के पेपर का आगे चलेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इसका मूल्य क्या है जीडी 2024 का सवाल कैसे होगा बेटा व्हाट इट द वैल्यू ऑफ 7.14 परसेंट ऑफ 66.1 परसेंट ऑफ 21.84 21.84 का का मतलब होता है गुणा 66.67 परसेंट क्या होता है देखो 33.33 थ्री .33 पॉइंट एक बटा तीन सिक्स परसेंट है तो दो बटा तीन आ गया का पॉइंट वन पर फोर परसेंट क्या है बेटा ये आपको पता है कि एक बटे चौदह जो होता है वो सेवन इंस टू वन बाई सेवन परसेंट होता है एक बटे चौदह लेकिन अप्रोक्समेट इसकी वैल्यू सेवन पॉइंट वन फोर परसेंट होती है इसलिए हमेशा बोलता हूं कि फ्रैक्शन में भी याद रखा करो डेसिमल में भी याद करा करो सेवन पॉइंट वन फोर परसेंट की वैल्यू एक बटे ऐसी मुझे करना था बताओ दो सत्ते चौदह इक्कीस इक्कीस जाएगा इक्कीस और जीरो इक्कीस चौरासी वन पॉइंट जीरो आंसर है सी सवाल का आंसर बचेगा सवाल था केवल आपको यहाँ पे परसेंटेज पता होनी थी सवाल है तेतीस अगला फिर से एक और एवरेज का क्वेश्चन बोला है स्टूडेंट के एक ग्रुप का एवरेज 44 किलोग्राम है स्टूडेंट के स्टूडेंट का एक ग्रुप है उनका एवरेज वजन 44 किलोग्राम है कुछ लोगों का एक ग्रुप है बच्चों का एवरेज वेट जब किया तो उनका 44 किलोग्राम आया 40 किलोग्राम वजन वाला एक बालक ग्रुप छोड़ देता है और 34 किलोग्राम वजन वाला दूसरा बालक ग्रुप में शामिल हो जाता है यदि नया एवरेज नया एवरेज थर्टी फोर्टी थ्री पॉइंट फोर किलोग्राम है नया एवरेज तो पूछा है ग्रुप में कितने छात्र हैं एक बात बताओ एक बालक छोड़ के चला गया एक नया आया तो यानी कि संख्या तो नहीं बदली जितने लोग पहले थे ग्रुप में आज भी उतने ही स्टूडेंट हैं, ओके एक छोड़ के गया है एक नया आया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या जितनी पहले थी आज भी उतनी ही है इस सवाल का बेटा मैंने आपको तरीका बता रखा है कैसे निकालते हैं टोटल में चेंज निकालो और एवरेज में चेंज निकालो एक अलग से स्पेशल वीडियो बना रखी इसी चैनल पे आधे घंटे की और मैंने जावड़ जावड़ सवाल करवा रखे हैं बेस्ट शॉर्टकट के साथ देख लेना आप एवरेज की वीडियो इस चैनल पे बोला है स्टूडेंट के स्टूडेंट के एक ग्रुप का वेट 44 किलोग्राम है 40 किलोग्राम वाला छोड़ बच छोड़ देता है एवरेज से कम वजन वाला छोड़ के जा रहा है हमारा एवरेज कितना है ग्रुप का चौवालीस किलोग्राम चालीस किलोग्राम वाला छोड़ के जाता है एवरेज से कम वजन वाला कमजोर आदमी के जा रहा है तो कम है हमको फायदा होगा इसके जाने से चार किलोग्राम का फायदा होगा चार किलोग्राम का बोला चौतीस किलोग्राम वाला दूसरा आता है अब एवरेज कितना है चौवालीस किलोग्राम ग्रुप का चौतीस किलोग्राम का बंदा आता है एवरेज से हल्का आदमी आता है हल्का एवरेज से कम वजन का आदमी घर में घुसता है नुकसान होगा भाई हमारा एवरेज चौवालीस किलोग्राम है चौतीस किलोग्राम का बंदा आता है यानी कि दस किलोग्राम कम वजन का बंदा आता है तो हमें दस किलोग्राम का नुकसान हो जाएगा तो टोटल मेरे दोस्तों हमें छ किलोग्राम का नुकसान हुआ टोटल जो है सिक्स के का नुकसान हुआ हमें टोटल में चेंज सिक्स किलो का नुकसान एवरेज में कितना चेंज आया भाई पहले एवरेज चौवालिस था अब नया एवरेज हो गया फोर्टी थ्री पॉइंट फोर एवरेज कितना कम हो गया तो एवरेज जो है पॉइंट सिक्स किलोग्राम कम हो गया तो टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज एवरेज कितना कम हो गया पॉइंट सिक्स किलोग्राम कम हो गया कम कम हो रहा है माइनस ज्यादा होता है तो प्लस यानी कितना अगर डिवाइड करने पर दस तो ये दस ही ग्रुप में स्टूडेंट हैं और दस ही सवाल का बेटा आंसर भी था सी ऑप्शन टेन अच्छा सवाल है और उससे भी बेहतरीन ये ट्रिक है आगे चलना है सवाल नंबर चौंतीस गौरव शंभू से चार गुना अधिक कुशल है गौरव जो है संभू से चार गुना अधिक कुशल है गौरव शंभू से चार गुना लाइव लाइव हो गया जी देखो ये जो क्वेश्चन है ये एवरेज का बहुत फेमस सवाल है इसकी अलग से वीडियो बना रखी है आप अगर हमारे चैनल पे जाएंगे मैथ्स कंसेप्ट किंग पे उसकी प्लेलिस्ट खोलेंगे एवरेज वाली तो आपको वीडियो मिल जाएगी एवरेज औसत का सबसे फेमस टाइप यानी कि हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में इस पर सवाल आता है जो सवाल अभी मैंने आपको करवाया बिल्कुल वह मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर रखा है वही सवाल अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है भाई टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज देखो ये कंसेप्ट है टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज तो ये वीडियो बहुत फायदेमंद डली हुई है इस चैनल पर एक बार जाके आप उनको देखो बहुत फायदा होगा ठीक है ना जितने भी सवाल हैं आप इस वीडियो का कर लो आप कभी अटकने वाले नहीं हो मैंने तो कैलकुलेटिव कैलकुलेटिव डाटा के सवाल भी करवा रखे मैंने आपको एवरेज स्पीड का भी क्वेश्चन करवा रखा है एवरेज के दो स्पेशल टाइप अलग से करवा रखे हैं पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए कंटेंट तो हमने फ्री में ही सारा डाल रखा है देखो ये क्वेश्चन देखेगा ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज इतनी गजब की ट्रिक है बिना एक्स माने बिना शिफ्टिंग लगाए बिना एलिगेशन लगाए कि तुरंत आंसर आता है देखिएगा आप इसको जी शुरू अगला क्वेश्चन करेंगे सवाल नंबर चौंतीस। बोला है गौरव गौरव शंभू से चार गुना अधिक कुशल है गौरव को काम पूरा करने में शंभू से सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव दिन कम लगते हैं यदि दोनों साथ में काम करें तो काम कितने दिन में होगा देखो बेटा ये सवाल शानदार है गौरव शंभू से चार गुना अधिक कुशल है शंभू की एफिशिएंसी एक है तो गौरव की एफिशिएंसी चार है ये दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो है अगर एफिशिएंसी का रेशियो चार एक है तो काम को करने में जो टाइम लगेगा टाइम का रेशियो तो रिवर्स होगा ना बेटे एक रेशियो चार टाइम का रेशियो रिवर्स होगा बोला है गौरव को काम पूरा करने में शंभू से 67.5 दिन कम लगते हैं गौरव अगर एक यूनिट समय लेता है तो शंभु चार यूनिट समय लेता है तो गौरव को शंभू से तीन यूनिट समय कम लगता है तीन की वैल्यू इस सवाल में 67.5 दिन दे रखी है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है एक की वैल्यू क्या है सिक्सटी को तीन से भाग देंगे साढ़े दिन एक की वैल्यू आ जाएगी भाई मेरे साढ़े बाईस दिन ये मैंने क्या पता लगा ले ये मैंने गौरव के दिन पता लगा ले कि गौरव जो है अकेले पूरा काम गौरव साढ़े बाईस दिन में कर सकता है अकेले ना किसी ना किसी आदमी के दिन तो पता लगाने पड़ेंगे ना जी लेकिन सवाल में पूछा है गौरव और शंभु मिलकर काम करें तो कितने दिन में होगा बताओ गौरव की एफिशिएंसी चार है गौरव एक दिन में चार काम करता है गौरव पूरा काम करता है साढ़े बाईस दिन में तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा टोटल वर्क आ जाएगा जी चार गुना बाईस। टोटल वर्क आ गया टोटल वर्क। अगर इस टोटल वर्क को दोनों लोग मिलकर करें अगर इस टोटल काम को गौरव और शंभू मिलकर करें तो क्या करेंगे बेटा पांच एफिशिएंसी के साथ करेंगे पांच एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा दोनों को मिलकर काम करने में गौरव चार करेगा सम्भूह एक पांच एफिशिएंसी के साथ बटे पांच पांच से साढ़े बाईस चला जाएगा जी साढ़े चार बार और साढ़े चार चौका अठारह यानी कि दोनों लोग मिलकर उस काम को अट्ठारह दिन में पूरा कर सकते हैं और यही सवाल का आंसर भी हो गया ए ऑप्शन वैसे इस सवाल को आगे करने की जरूरत ही नहीं है अगर गौरव पूरा काम साढ़े बाईस दिन में कर रहा है गौरव तो दो लोग तो साढ़े बाईस से कम दिन में ही कर लेंगे मिलके। साढ़े बाईस से कम दिन में ही कर लेंगे दो लोग मिलके अगर अकेला आदमी साढ़े बाईस दिन में कर रहा है तो दो लोग तो साढ़े बाईस से कम में ही कर लेंगे साढ़े बाईस से कम एक ही ऑप्शन था बात खत्म मुझे सॉल्व भी नहीं करना था सवाल आगे लेंगे बोला बहत्तर हजार रुपए की राशि पर तीन साल के लिए सोलह परसेंट की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा सेवेंटी टू थाउजेंड पर सोलह परसेंट की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा और ये आपके सामने ऑप्शन ऑप्शन जब मैं देखूंगा दो दो हजार रुपए का फर्क आ रहा है दो दो हजार रुपए का बस मेरा सवाल सॉल्व मैं करूंगा अप्रोक्स एक बात बताओ बहत्तर हजार रुपए पर सोलह परसेंट ब्याज की दर से तीन साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तीन साल का भाई ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों पहले साल सोलह परसेंट ब्याज है दूसरे साल सोलह परसेंट ब्याज है तीसरे साल सोलह परसेंट ब्याज है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है मेरे दोस्तों थ्री ए स्क्वायर और फिर ए क्यूब ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है मेरे दोस्तों समझ में आई है भाई पहले सोलह 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 का तीन गुना सोलह का तीन गुना अड़तालीस पर तीनों की दो दो की गुणा सोलह गुणा सोलह दो सौ छप्पन दो सौ छप्पन दो सौ छप्पन कितना हो गया सात सौ स्क्वायर का तीन गुना सोलह स्क्वायर दो सौ छप्पन दो सौ छप्पन का तीन गुना सात सौ अट्ठाइस सात सौ अट्ठाइस बटे सौ सेवन पॉइंट टू एट प्लस तीनों की मल्टीप्लाई ए क्यूब है ना तीनों की मल्टीप्लाई तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा सोलह गुणा सोलह गुणा सोलह सोलह का क्यूब चार हजार छियानवे सोलह का क्यूब चार हजार छियानवे बटे दस हजार करेंगे चार हजार छियानवे को दस हजार से भाग देंगे ये आएगा पॉइंट फोर जीरो नाइन सिक्स तो कितना आएगा बेटा ये ये लगभग आएगा आपका अड़तालीस सात पचपन पॉइंट ये पॉइंट चार में पॉइंट टू एट जोड़ूंगा तो लगभग सात पचपन पॉइंट सात तो परसेंट आएगा अप्रोक्स अप्रोक्स पचपन पॉइंट सात तो परसेंट आएगा भाई हमने ठेका थोड़ा ना ले रखा है हम पूरा एग्जैक्ट निकाले लगभग निकालेंगे ना ये पॉइंट चार में पॉइंट टू एट जोड़ोगे तो पॉइंट सिक्स एट को लगभग पॉइंट सेवन लिख दिया तो एप्रोक्स आपको फिफ्टी फाइव परसेंट फिफ्टी फाइव पॉइंट सेवन परसेंट ब्याज मिलेगा कितने का सेवेंटी टू थाउजेंड का बहत्तर हजार रुपए का आपको पचपन ब्याज मिलेगा कितना होता है ये बताओ कितना होता है जल्दी से बताएं देखो पचपन पॉइंट सात ऐसे मत निकालो पहले पचास परसेंट निकालो फिर पांच परसेंट निकालो फिर पॉइंट सात परसेंट निकालो बहत्तर हजार का पचास परसेंट क्या होता है आधा छत्तीस हजार बहत्तर हजार का पांच परसेंट क्या होता है छत्तीस सौ अगर पचास परसेंट छत्तीस हजार है तो पांच परसेंट छत्तीस सौ बहत्तर हजार का पॉइंट सात परसेंट कितना आएगा बहत्तर हजार का एक परसेंट सात सौ बीस होता है पॉइंट सात परसेंट अगर बहत्तर हजार का निकाला जाए तो लगभग पांच सौ रुपए आएगा लगभग पांच सौ रुपए तो जब इनको जोड़ा जाएगा तो छत्तीस हजार और चार हजार लगभग चालीस हजार आएगा अप्रोक्स चालीस हजार आंसर है डी ऑप्शन लगभग चालीस हजार उत्तर है बात खत्म लगभग चालीस हजार उत्तर है और मैं यहीं पे सवाल छोड़ दूंगा और आगे चलता बनूंगा पूरी कैलकुलेशन करनी किसको है अगला सवाल बोला एक आदमी अपनी इनकम का अट्ठावन परसेंट खर्च करता है उसकी इनकम तीस परसेंट बढ़ जाती है खर्चा पच्चीस परसेंट बढ़ जाता है बचत में परसेंट वृद्धि बताओ यह आय खर्चा बचत वाला सवाल ठीक है भाई और इस सवाल को सौ मान के भी कर सकते हो इस सवाल को आप डेविशन से भी कर सकते हो जो पसंद आए है भाई जैसे मैं डेविशन वाला बेस्ट तरीका बता रहा हूं कम से कम कैलकुलेशन में आप जानते हैं आय बराबर खर्चा प्लस बचत ही होता है आय बराबर खर्चा प्लस बचत एक आदमी अट्ठावन परसेंट खर्च करता है अट्ठावन परसेंट मतलब अट्ठावन बटे सौ बटे पचास एक आदमी उन्तीस बटे पचास खर्च करता है यानी कि पचास अगर कमाता है अगर वो पचास कमाता है तो पचास में से 29 खर्च करता है पचास में से 29 घटाओ बाकी का इक्कीस वो बचत करता है यानी कि आदमी की जो खर्चा और बचत है उसका रेशियो उनतीस इक्कीस है खर्चा बचत का इनकम तीस परसेंट बढ़ जाती इनकम का मतलब क्या होता है इनकम का मतलब खर्चा प्लस बचत खर्चा प्लस बचत आदमी की इनकम खर्चा प्लस बचत इनकम तीस परसेंट बढ़ जाती है खर्चा 25 परसेंट बढ़ जाता है बचत कितने परसेंट बढ़ेगी एक बात बताओ रिवर्स डेविशन अगर इनकम 30 परसेंट बढ़ी है अगर किसी आदमी की कमाई 30 परसेंट बढ़ी है कमाई तो खर्चा भी 30 परसेंट बढ़ना चाहिए बचत भी 30 परसेंट बढ़नी चाहिए खर्चा भी 30 परसेंट बढ़ना चाहिए बचत भी 30 परसेंट बढ़नी चाहिए लेकिन खर्चा बढ़ा है 25 परसेंट खर्चा तीस की बजाय पच्चीस परसेंट बढ़ा है पांच परसेंट कम तो खर्चा 29 का पांच परसेंट कम बढ़ा उन्तीस का पांच परसेंट कितना होता है 29 पंजे एक सौ एक सौ परसेंट खर्चा कम बढ़ा है तो आप बचत एक सौ परसेंट ज्यादा कर दीजिए है ना खर्चा अगर 145 परसेंट उन्तीस पंजे एक कम बढ़ा है तो बचत 145 परसेंट ज्यादा कर दीजिए कितने पर बचत है कितने 21 पर बटे 21 तो कितनी बार जाएगा बेटा ये आ जाएगा 21 सत्ते एक होता है तो 145 लगभग सात बार जाएगा तो 30 प्लस सेवन अप्रोक्स थर्टी परसेंट आएगा यह आंसर है थर्टी 37 सी ऑप्शन ये रिवर्स डेविशन है चाहे तो आप सवाल सौ मान के भी कर सकते हैं बट ये ऐसा तरीका है कि कितना भी मुश्किल कितना भी कैलकुलेटिव सवाल आए ये नहीं रुकने वाला ये तो आंसर जल्दी निकालेगा आगे चलते हैं सवाल है बाईस हजार रुपए पर डेढ़ साल का कंपाउंड इंटरेस्ट थ्री एट थ्री सिक्स पॉइंट एट है ब्याज की दर क्या है पर एनम ब्याज की दर क्या है और ये हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है कीवर्ड्स पढ़ो बाईस हजार रुपए है कीवर्ड्स पढ़ेंगे बाईस हजार रुपए पर समय कितना है बेटा समय है डेढ़ साल डेढ़ साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है जो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है वो अड़तीस सौ छत्तीस पॉइंट आठ रुपए है ब्याज की दर क्या है ये सवाल है देखो बेटे एक बात गौर से सुनना एक बात आप गौर से सुनना मेरे दोस्तों एक बात गौर से सुनना और बहुत मजा आएगा आपको इस तरीका सीखने में एक बार बताओ अगर समय डेढ़ साल है डेढ़ साल कितना होता है अट्ठारह महीने डेढ़ साल होता है अट्ठारह महीने तो अठारह महीने में छह महीने की तीन साइकिल बन जाएंगी अठारह महीने में छह छह महीने की तीन साइकिल बन जाएंगी छह महीना छह महीना छह महीना आप बताओ बाईस रुपए पर आपको इतना ब्याज मिला अड़तीस सौ कितना परसेंट ब्याज मिला ट्वेंटी टू हंड्रेड रुपीज पर अड़तीस छत्तीस पॉइंट आठ रुपए ब्याज मिला कितना परसेंट है बेटा कितना परसेंट आपको ब्याज मिला मैं एग्जैक्ट भी निकाल सकता आप अप्रोक्स भी कर सकते हैं बताओ कितना है ये बताओ बाईस से कम बाईस उसके बाद आपका सोलह बचेगा तो बाईस सत्ते एक सौ चौवन बचेगा छह तीन नौ बाईस चौक अट्ठासी और बाईस चौक अट्ठासी वन सेवेंटी फोर पॉइंट फोर परसेंट आपको ब्याज मिला एक सौ चौहत्तर दशमलव चार परसेंट आपको ब्याज मिला यानी कि ब्याज की दर एक साल में आपको बतानी है छह महीने छह महीने छह महीने का तीन बार सक्सीब होगा देखो ये चप्पलगंजू तो आंसर होंगे नहीं कि इनका आधा बहुत खतरनाक होता है या तो साठ होगा या अस्सी होगा आप बताओ अगर ब्याज की दर साठ परसेंट पर एनमे साठ परसेंट अगर ब्याज की दर साठ परसेंट एक साल में है, तो छह महीने में कितना होगा तीस परसेंट क्या तीस 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 का सक्सेसिव ये आता है तीस 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 का सक्सेसिव मुझे ऑलरेडी याद है एक सौ उन्नीस दशमलव सात परसेंट बीस 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 का सक्सेसिव होता है सेवनटी टू पॉइंट एट परसेंट दस 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 का तीन बार सक्सेसिव थर्टी थ्री पॉइंट वन परसेंट बीस 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 का तीन बार सक्सेसिव सेवेंटी टू पॉइंट एट परसेंट थर्टी 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 का तीन बार सक्सेसिव एक सौ उन्नीस पॉइंट सात परसेंट एक सौ चौहत्तर पॉइंट चार है ये तो नहीं होगा बेटे आंसर अस्सी परसेंट अगर आंसर मानता हूं यही सेट होगा अगर एक साल में अस्सी परसेंट ब्याज है तो छह महीने में कितना होगा चालीस परसेंट महीने में कितना होगा चालीस परसेंट छह महीने में कितना होगा चालीस परसेंट 40 ब्याज का मतलब है किसी संख्या को चालीस परसेंट बढ़ा दो चालीस परसेंट बढ़ाने का क्या मतलब होता है सौ परसेंट को चालीस परसेंट बढ़ा देंगे तो एक सौ चालीस परसेंट हो जाएगा वन पॉइंट फोर टाइम्स तीन बार बढ़ाना है तो पावर थ्री का क्यूब होता है चौदह का क्यूब सत्ताइस यानी कि आपका पैसा इतने गुना हो गया एक रुपए अगर आप एक रुपए करोगे ब्याज की दर 40 है तो इतना सात चार चार बढ़ गया परसेंटेज में कितना एक सौ चौहत्तर पॉइंट चार परसेंट सेट हो रहा है सेटिस्फाई कर रहा है तो यही बेटे आंसर है बी ऑप्शन गजब का तरीका है सवाल करने का है ना एप्रोक्स देख के सवाल उड़ाओ आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि जितने भी हमारे YouTube चैनल हैं गगन प्रताप मैथ्स गगन प्रताप टॉक्स आप वीडियो देख रहे हैं मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पे मैथ्स वंडर इन सेकेंड्स एक टॉपर गाइडेंस चैनल है अभी तो खैर किसी एग्जाम का रिजल्ट ऐसे आया नहीं है तो ये चैनल एक्टिव नहीं है आप इन सभी चैनलों को सब्सक्राइब कर लो जैसे मैं आपको बताऊं कि ये चैनल है मैथ्स वंडर इन सेकेंड्स इस पर हम डेली तीन शॉर्ट्स डालेंगे डेली है ना एक सुबह मॉर्निंग में दस बजे एक दोपहर में और एक शाम को अगर आप ये शॉर्ट्स देखते रहो तो चाहे आप एस की तैयारी कर रहे हो चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो चाहे सीडीएस की तैयारी कर रहे हो हर एग्जाम में आने वाले लेटेस्ट सवाल आप सीखते रहोगे नई नई छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स आप सीखते रहोगे और एक दिन में तीन सवालों का आपका रिवीजन हो जाएगा हर शॉर्ट्स में एक होमवर्क भी आपको देता हूं तो आप होमवर्क भी कर लोगे जैसे आज ही मैंने रेलवे का एक क्वेश्चन दोस्तों यहां पे करवाया ये क्वेश्चन आया था आर आरबी जेई के पेपर में अब जिस बच्चे ने देखा होगा सवाल नहीं भी करा होगा तो यहां से कर लिया सीडीएस के क्वेश्चन का मैंने आपको होमवर्क दे दिया तो इतना अच्छा रिदम बना रहता है मतलब मैं आपसे ज्यादा नहीं मांग रहा मैं आपके बस दिन के ढाई मिनट मांगता हूं दिन का केवल ढाई मिनट आप ढाई मिनट मुझे दो और मैं आपको तीन नए सवाल सिखाऊंगा और तीन सवाल आपसे करवा लूंगा घर बैठे बैठे आपका रिवीजन हो जाएगा मेरे दोस्त इस चैनल अगर किसी बच्चे ने आज तक इसकी शॉर्ट्स देखी नहीं तो एक हजार से ज्यादा शॉर्ट्स बना दिए इस चैनल पे मैथ्स वन इन सेकंड्स पे जाके जरूर देखिएगा बहुत फायदे का है बेटा चैनल पूरे यूट्यूब पे इतनी क्वालिटी की शॉर्ट्स आपको नहीं मिलेंगे जिनमें इतना बढ़िया कंटेंट हो बाकी आपको फर्जी सड़क छाप ट्रिक्स मिल जाएंगी लेकिन काम के जो सवाल है वो यही आपको मिलेंगे ओके चलिए आगे चलते हैं सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने अड़तीस बोला है अमन 80 की स्पीड से कार चलाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है 30 की स्पीड से चलाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है समय पर पहुंचने के लिए देखो कितना बढ़िया सवाल पूछा है टाइम पर पहुंचने के लिए कार की स्पीड क्या होगी कार की स्पीड क्या होगी टाइम पर पहुंचने के लिए बताओ बेटे टाइम पर पहुंचने के लिए अमन 80 की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है 30 की स्पीड से चलाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है टाइम पर पहुंचना है तो कार की स्पीड क्या होगी कुछ बच्चे इस सवाल में फॉर्मूला लगाएंगे फॉर्मूला लगा के पहले डिस्टेंस निकालेंगे फिर पहुंचने का सही टाइम निकालेंगे फिर भाग देंगे कुछ बालक रेशियो से डिस्टेंस निकालेंगे टाइम निकालेंगे फिर भाग देंगे मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जो उन्होंने देखा ना सुना ना कहा ना बोला केवल हमने बताया देखो आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड गुना टाइम अगर डिस्टेंस सेम है बेटे ध्यान सुनेगा अगर डिस्टेंस सेम है डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रपोर्शन होते हैं यानी कि टाइम जो होगा स्पीड जो होगी मेरे प्यारे भाई वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वित्त क्रमानुपाति होगा अब यहां पे ना मुझे चीज दिखाई दे रही है दस मिनट पहले और दस मिनट देरी जैसे मैंने मान लिया कि ऑफिस पहुंचने में जो एक्चुअल टाइम लगना चाहिए वो टी लगना चाहिए मैंने मान लिया कि ऑफिस पहुंचने में जो एक्चुअल टाइम लगना चाहिए जो अगर आपको सही टाइम पे ऑफिस पहुंचना है तो आपको टी समय लगना चाहिए अगर आपको ठीक टाइम पे पहुंचना है आप 10 मिनट पहले पहुंच जाते हो अगर 80 की स्पीड से गाड़ी चलाते हो यानी कि आप टी से 10 मिनट पहले पहुंच जाओगे अगर आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाओगे 80 की स्पीड से बोला 10 मिनट देरी से पहुंचोगे यानी कि की बजाय आपको टी से 10 मिनट ज्यादा लगेगा अगर आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाओगे तीस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ठीक है भाई टाइम पर पहुंचने के लिए अगर आपको ठीक ठीक टाइम पर पहुंचना है तो मेरे पैर भी किस स्पीड से गाड़ी चलानी चाहिए ही ना सवाल सवाल है मैंने सवाल को पढ़ते ही देख लिया था कि यहां डाटा जो है वो प्रोग्रेशन में आप बताओ यहां ये यह जो समय है ये जो टाइम है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में दस दस मिनट बढ़ रहा है ये दस ज्यादा इससे दस ज्यादा टाइम क्या है टाइम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है बेटे आपको पता होनी चाहिए स्पीड और टाइम एक दूसरे के रिवर्स होते हैं अगर डिस्टेंस में अगर टाइम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा क्या होता है है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा क्या होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन हरात्मक श्रेणी समांतर श्रेणी का उल्टा क्या होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन हरात्मक श्रेणी अगर टाइम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो स्पीड हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगी बताओ हो। यानी कि मुझे 80 और 30 का हार्मोनिक मीन लेना है हरात्मक माध्य। देखो अगर दो संख्याएं ए और बी हैं, तो उनका अर्थमेटिक मीन होता है जोड़ के आधा कर दो उनका ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी उनका हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य होता है टू ए बी अपॉन ए प्लस बी टू ए बी अपॉन ए प्लस बी यानी कि मुझे 80 और 30 का हार्मोनिक मीन निकालना था केवल और 80 और 30 का हार्मोनिक मीन आएगा जी टू दो गुणा अस्सी गुणा तीस अपॉन अस्सी प्लस तीस यानी कि ये आ जाएगा मेरे दोस्तों अड़तालीस सौ बटे एक सौ दस यानी कि चार सौ अस्सी बटे ग्यारह फोर एट्टी बाई इलेवन किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया बेटे सी ऑप्शन ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन मैंने आपको समझाने के लिए पूरा बोर्ड भर दिया समझाने के लिए लेकिन मेरे दोस्तों ये बात आप दिमाग में सोच सकते थे ये आप दिमाग में सोच सकते थे और ये तो सवाल में दिया ही है लिखने की जरूरत ही नहीं थी ये सवाल का आंसर है बेटा बस ये आप कहीं पढ़ लो कहीं वीडियो देख लो कोई बैच खरीद लो इस सवाल का इससे छोटा सॉल्यूशन आपको किसी ने बताया तो मुझे बता देना अगर टाइम और ज्यादातर आधे सवाल आते हैं अगर इस टाइप के दस सवाल बनेंगे तो दस में से आधे सवाल ऐसे होंगे जिनमें टाइम समांतर श्रेणी में होता है एक सेकंड में सॉल्व आगे चलूंगा सवाल नंबर है उनतालीस चेतन अकेले एक दिन में पांच घंटे काम करके छह दिन में काम कर सकता है रश्मि अकेले उसी काम को दस घंटे काम करके दो दिन में कर सकती है समान काम को चार दिन में पूरा करने के लिए उन्हें एक दिन में कितने घंटे काम करने की आवश्यकता है अच्छा जी अच्छा जी बेहतरीन सवाल गजब का क्वेश्चन बताओ बेटे क्या उत्तर है बताएं। हाँ जी, देखो बच्चों टोटल वर्क बराबर होता है एम डी एच टोटल वर्क बराबर होता है एम डी एच ई मैन डेज आवर्स और एफिशिएंसी ठीक है ना देखो यहां पे आदमी तो एक-एक ही है यानी कि मुझे यहां से एफिशिएंसी पता करनी है बोलो देखो चेतन एक दिन में पांच घंटे काम करके छह दिन में काम पूरा कर सकता है जैसे मैंने मान लिया चेतन की एफिशिएंसी सी है चेतन की एफिशिएंसी सी है चेतन 1 दिन में कितना काम करता है 5 घंटे चेतन काम कितने दिन में करता है छह दिन में टोटल वर्क, टोटल वर्क आ गया टोटल वर्क रश्मी, रश्मी आ गया टोटल वर्क रश्मि रश्मि की एफिशिएंसी मैंने मान ली कि रश्मि दिन में कितना काम करती है दस घंटे रश्मि काम कितने दिन में करती है बेचारी दो दिन में कर लेती है तो ये भी टोटल वर्क है ये भी टोटल वर्क है बराबर होना चाहिए डेज एफिशिएंसी और आवर्स की मल्टीप्लाई कर दी तो यहां से चेतन और रश्मि की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया दस दूनी बीस तीस तीस उधर जाएगा बीस बटा तीस आ गया दो बटे तीन चेतन और रश्मि की एफिशिएंसी का रेशियो दो बटा तीन आ गया चेतन की एफिशियंसी दो, तो दो ये वैल्यू चाप यहां रख दो यहां रख दो मैं यहां रख देता हूं चेतन की एफिशियंसी दो है मैंने यहां रख दी चेतन की एफशियसी दो तो दो गुणा पांच गुणा छ यह टोटल वर्क आ गया टोटल वर्क इस टोटल वर्क को है ना ये वैल्यू मैंने चेतन की ऑप्शनसी दो यहां पर रख दी दो पंजे दस छिका साठ ये रश्मि की जगह तीन रखोगे तीन दुशाम तीस धुनी साठ तो भी साठ ही आएगा टोटल वर्क आ गया अब इस टोटल वर्क को मेरे प्यार भाई पूरा करेंगे दोनों लोग अगर इस टोटल वर्क को दोनों लोग पूरा करेंगे तो दोनों लोग करेंगे दो और तीन पांच एफिशिएंसी के साथ दोनों करेंगे पांच एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में पूरा करना है चार दिन में पूरा करना है कितने दिन में चार दिन में तो बटे चार तो एक दिन में कितने घंटे काम करना होगा साठ को बीस से भाग देंगे तीन घंटे तो एक दिन में दोनों को तीन घंटे काम करना होगा थ्री आवर्स पर डे जो है दोनों को मिलकर काम करना होगा डी ऑप्शन आंसर है यह सेम सवाल हमने अपने वह जो शॉर्ट्स वाला चैनल है उस पर करवा रखा है सेम क्वेश्चन कोई बच्चा देखता लेटे लेटे तो कर लेता सवाल को आगे चलेंगे सवाल है बेटा आपके सामने अब फर्टी सीता और गीता की एवरेज ए चालीस वर्ष है यदि रितु सीता का स्थान लेती है रितु आ जाती है सीता की जगह तो एवरेज अड़तीस साल हो जाएगा यदि रितु गीता का स्थान लेती है तो एवरेज बयालीस हो जाएगा सीता गीता और रितु की क्रम से एज क्या है अच्छा यानी कि रिप्लेसमेंट वाला सवाल है सवाल बोला है सीता और गीता की एवरेज है चालीस वर्ष है तो भैया पहले तो ये चेक करो कि एवरेज चालीस आना चाहिए सीता गीता का एवरेज चालीस आना चाहिए इन दोनों का एवरेज चालीस नहीं है इन दोनों के बीच चालीस नहीं आएगा गलत बात छत्तीस बयालीस का एवरेज चालीस नहीं होता बयालीस छत्तीस का एवरेज चालीस नहीं होता उनतालीस बयालीस का एवरेज चालीस नहीं होता चौवालीस और छत्तीस का एवरेज चालीस होता है एवरेज होता है दोनों को जोड़ के दो से भाग दो इनका एवरेज चालीस यही आंसर होगा मैं आगे क्यों करूं मेरे पास टाइम ही नहीं करने का आगे चल जाएंगे बेटा बस बात खत्म मानव ए से शुरू करता है और उन्तीस घंटे में बी पर पहुंचता है वह दो बटे नौ दूरी नौ की स्पीड से और बाकी दूरी बारह की स्पीड से तय करता है ए और बी के बीच की दूरी क्या है सवाल ढंग से पढ़ो बेटा मानव ए से चलना शुरू करता है और 29 घंटे में बी पर पहुंचता है ठीक है लेकिन उसने बड़े हिसाब से चला है दो बटे नौ डिस्टेंस गया है वो नौ की स्पीड से और बाकी दूरी गया है वो बारह की स्पीड से ए और बी के बीच की दूरी बताओ देखो बेटा अगर मैं दूरी की बात करूं दूरी की ये दूरी है और ये मेरे दोस्तों यहां स्पीड है ना कुछ लोग करेंगे एक्स मान कि माना ए और बी के बीच की दूरी एकस है एक्स गया तेल लेने झापड़न लगा और वाई को भी ध्यान सुनेगा दो बटे नौ दूरी बटे नौ आ रहा है यानी कि अगर टोटल दूरी नौ है अगर टोटल दूरी नौ है तो नौ में से दो दूरी गया है वो नौ किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फिर बाकी कितनी बची अगर टोटल दूरी दो बटे नौ दूरी गया नौ किलोमीटर पर आवर की चाल से अगर टोटल दूरी नौ है तो नौ में से दो गया नौ की स्पीड से बाकी बचा सात नौ में से दो घटेंगे बाकी सात दूरी वो गया है बारह किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको सवाल में क्या दे रखा है आपको सवाल में टोटल टाइम दे रखा है टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटे स्पीड है ना डिस्टेंस बटे स्पीड मेरे प्यारे भाई तो एक काम करो दोस्त डिस्टेंस का रेशो है अब मैं नौ से भाग दूंगा बारह से भाग दूंगा अच्छा लगेगा भाग देना कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगी दो नौ से भाग नहीं होता सात बारह से भाग नहीं होता तो नौ और बारह छत्तीस को छत्तीस से गुणा कर दो पूरे डाटा को छत्तीस से गुणा कर दो रेशियो रेशियो में कुछ भी किया जा सकता है अगर आप इतनी दूरी नौ की स्पीड से जाओगे कितना समय लगेगा नौ से भाग करेंगे आठ आठ घंटे लगेगा अगर आप इतनी दूरी बारह की स्पीड से जाओगे कितना समय 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 से भाग देंगे लगेगा लगेगा टोटल समय लगेगा जी आठ जमा उन्तिस, और उन्तिस की वैल्यू सवाल में 29 घंटे दे रखी है यानी कि एक यूनिट का मान एक आ गया एक यूनिट का मान एक आ गया तो टोटल दूरी आ गई बेटा ये आपकी टोटल दूरी आ गई यही आपकी टोटल दूरी है मुझे कुछ करना ही नहीं छत्तीस कॉमन और दो जमा सात नौ यानी कि छत्तीस निम्मा तीन सौ चौबीस तीन सौ चौबीस किलोमीटर दोनों जगह के बीच की दूरी है बात खत्म ना एक्स मानना है ना कुछ मानना है आगे दो साल के लिए दो साल के लिए कितना बेटा दस लाख इकाई ढाई सैकड़ा हजार है ना लाग, दस हजार लाख दस लाख की राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस चौबीस सौ एक रुपए है ब्याज की दर बताएं सवाल में बोला है दस लाख दो साल के लिए दस लाख रुपए पर सी और एस SI का डिफरेंस चौबीस सौ एक रुपए है ना दो साल के चक्रवृद्धि ब्याज दो साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस चौबीस सौ एक रुपए है ब्याज की दर क्या है चौबीस सौ एक किसका वर्ग है उनचास का चास का सगे वाला आएगा उनचास का सगे वाला एक ही आंसर है ये रहा बात खत्म अगर दो साल के सीआईएसआई का डिफरेंस दिया है, प्रिंसिपल दिया है तो ब्याज की दर निकालने का अगर दो साल का सीआईएसआई का डिफरेंस दिया है प्रिंसिपल दिया है तो ब्याज की दर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है अंडर रूट डी बटेपी अंडरूट डी दिस इज द शॉर्टकट शॉर्टकट है यहाँ पे दो साल के सीआई और एस.आई. SI का डिफरेंस है चौबीस एक जरूरत नहीं बेटा वैसे इतनी और प्रिंसिपल कितना है दस लाख अभी यहां पे आपका छ जीरो है चौबीस सौ एक का अंडर रूट उनचास नीचे अंडर रूट आ जाएगा मेरे दोस्तों नीचे अंडरूट कितना आ जाएगा हजार परसेंटेज में निकालना है इंटू सौ परसेंट ये फ्रैक्शन में आया उनचास बटे हजार फ्रैक्शन में आया है अपन को तो परसेंटेज में चाहिए ना तो इंटू सौ परसेंट तो ये आ जाएगा जी फोर पॉइंट नाइन फोर पॉइंट नाइन परसेंट ब्याज की दर है सी ऑप्शन आंसर बेस्ट सवाल विद बेस्ट सोल्यूशन बोला है एक्स वन एक्स टू से ग्यारह परसेंट ज्यादा है और एक्स से सड़सठ परसेंट कम है एक्स की वैल्यू तेरह सौ इकतीस है एक्स का मान क्या है बताओ बेटा सवाल देखो सवाल पढ़ लो पहले सवाल में बोला है x2 की वैल्यू पूछी है सवाल x2 की वैल्यू दी है और x3 का मान पूछा है x2 का मान आपको तेरह सौ इकतीस दिया हुआ है और सवाल में x3 का मान आपसे पूछा है यही ना क्वेश्चन है आप बोलोगे हां जी बोला x1 x2 से ग्यारह परसेंट ज्यादा है x3 से सड़सठ परसेंट कम है तो X1 का रिश्ता दोनों से दे रखा है ये जो X1 क्या है बेटा क्या है 11 परसेंट होती है 100 परसेंट से 11 परसेंट ज्यादा कितना होता है 100 परसेंट से 11 परसेंट ज्यादा होता है एक सौ ग्यारह परसेंट एक्स वन एक्स टू का 111 परसेंट है और ये जो एक्स है एक्स से सड़सठ कम है हर चीज सौ होती है सौ परसेंट से सिक्सटी सेवन कम करेंगे सौ में से सिक्सटी सेवन घटाएंगे तैतीस परसेंट तो भाई ये भी X1 का मान है, X2 से तैतीस परसेंट ये भी एक्स वन की वैल्यू ये भी एक्स वन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए अब यहां एक्स टू एक्स थ्री में रिलेशन आ जाएगा तीन से जाएगा ग्यारह बार और तीन से जाएगा सैतीस बार यहां एक्स टू से एक्स थ्री का जो रेशियो आ गया एक्स टू से एक्स थ्री का रेशियो वो आ गया ग्यारह बटे 37 ग्यारह बटे गया आपसे का मान पूछा है 37 का मल्टीपल आएगा वो तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा एक्स टू का मान सवाल में क्या दिया है अच्छा सवाल है बेटा ये भी एक्स टू का मान सवाल में तेरह इकतीस दिया है कितने गुना ग्यारह का स्क्वायर वन ट्वेंटी वन टाइम्स ग्यारह गुना इक्कीस तेरह इकतीस तो सैंतीस की वैल्यू भी सैतीस गुणा वन ट्वेंटी वन आएगा एंड में आएगा जी सात एंड में सात आएगा और ग्यारह का मल्टीपल आएगा एक में ग्यारह का मल्टीपल ये ग्यारह से नहीं कटता ये ग्यारह से नहीं कटता चार चार आठ और चौदह ग्यारह से नहीं कटता चार सात ग्यारह चार सात ग्यारह डिफरेंस जीरो ये नंबर ग्यारह से कटता है डी ऑप्शन आंसर है सवाल का आंसर है बेटे डी ऑप्शन बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन जी में बोला है प्रति वर्ष किस ब्याज की दर से तैतीस हजार रुपए पर दो साल में इकतीस छह सौ रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है बताओ मैंने ऐसे सवालों का आपका जुगाड़ बताया कि भाई साहब प्रिंसिपल कितना है तैतीस हजार रुपए थर्टी थ्री थाउजेंड रुपीज आपका प्रिंसिपल है तैतीस हजार रुपए तेतीस हजार के प्रिंसिपल पर दो साल में कितना ब्याज मिला 33000 हजार के प्रिंसिपल पर दो साल में इकतीस हजार छह सौ अस्सी रुपए ब्याज मिला परसेंटेज में कितना ब्याज मिला आपको इंटू सौ परसेंट चलो शुक्र है सौ परसेंट से तो कम है तेतीस हजार रुपए पर इकतीस हजार छह सौ अस्सी ब्याज मिला तेतीस हजार के सौ परसेंट से कम है तेतीस हजार का सौ परसेंट तेतीस हजार सौ परसेंट से कम ब्याज मिला है तो ये तो आंसर होगा नहीं क्योंकि इनका जब मैं सक्सेसिव करूंगा तो सौ से ऊपर चला जाएगा इन दोनों में से एक होगा ये कितना है बेटा ये कितना है अभी ये तीन जीरो कट जाएगा तो मेरे प्यारे भाई ये आ जाएगा आपका तेतीस निम्मा ना चला जाएगा ना दो सौ सत्तर और सत्ताईस टू नाइन सेवन बचेगा उन्नीस नाइनटी सिक्स परसेंट आपको ब्याज मिला तो दो साल में आपको परसेंट ब्याज मिला और 96 क्या होता है 40 -40 का अगर ब्याज की दर चालीस परसेंट पर दो साल में कितना ब्याज मिलेगा चालीस चालीस काटे सौ कि 80 प्लस सोलह अस्सी प्लस सोलह नाइनटी परसेंट बिल्कुल सेट हो गया यह आंसर है अप्रोक्स भी चेक कर सकते थे मेरे प्यारे भाई देखो अगर मैं पेपर में होता तो मैं इतना कुछ करता ही नहीं आ, बताओ तेतीस हजार पर दो साल में इतना ब्याज मिला इकतीस हजार छह सौ अस्सी सौ परसेंट से हल्का सा कम ब्याज मिला सौ परसेंट से कम है हल्का सा लेकिन नब्बे परसेंट से ज्यादा है अगर मैं 50 ब्याज की दर 50 परसेंट मानता हूं तो दो साल में 50 और 50 का सक्सिव 100 से ज्यादा हो जाएगा 55 55 का सक्सिव 100 से ज्यादा हो जाएगा 30 30 का 69 होता है 30 30 का सक्सेसिव 69 होता है 100 परसेंट से हल्का सा कम मिलेगा जब 40 40 का दो बार सक्सेव करेंगे यह आंसर है मैं होता तो पेपर में मात्र इतना करता इसको करने के लिए इससे ज्यादा करता ही नहीं आगे चलेंगे और आप भी यही करना सीखो कुल वस्तुओं का अस्सी परसेंट बीस परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जाता है बाकी तीस परसेंट लॉस पर बेचा जाता है कुल लाभ बताएं कुल वस्तुओं का अस्सी परसेंट अस्सी परसेंट कितना होता है चार बटे पांच डेविशन का सवाल है बेटा यानी कि अगर ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई सभी लोग मेरी बात गौर से सुनेगा बहुत प्यार से अगर टोटल पांच वस्तु हैं तो पांच में से चार वस्तु बेची जाती है बीस परसेंट के लाभ पर चार वस्तु बीस परसेंट के लाभ पर तो बाकी कितनी बची एक एक वस्तु बाकी एक वस्तु बेची जाती है तीस परसेंट के लॉस पर है ना कुल कितने का लाभ होगा कुल वस्तु का अस्सी परसेंट अस्सी परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू चार बटे पांच यानी कि टोटल वस्तु पांच है तो पांच का अस्सी परसेंट होता है चार चार वस्तु बीस परसेंट लाभ पर बेचेगी बची एक वस्तु तीस परसेंट नुकसान पर बेचेगी कुल कितना लाभ हुआ देखो बेटे चार रुपए का बीस परसेंट लाभ हुआ चार का बीस अस्सी होता है एक रुपए का तीस परसेंट लॉस हुआ तो अस्सी और माइनस तीस पचास परसेंट का फायदा हुआ कितने के सामान पर चार एक पांच के सामान पर बटे पांच तो पचास बटे पांच आ गया दस परसेंट तो आपको दस परसेंट का फायदा हुआ है ओवरऑल बेस्ट तरीका है डेविएशन के सवालों सवाल को करने का इससे आसान तरीका पूरी दुनिया में होता नहीं है सवाल को करने का सवाल नंबर है आपके सामने फोर्टी सिक्स कौन वाला क्वेश्चन बोला है उस कौन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा जिसकी रेडियस चौबीस है हाइट दस है तो बेटा स्लाइंट हाइट क्या हो जाएगी ये कौन होता है तो कोन की रेडियस है ये हाइट है स्लाइंट हाइट है ये

कोन का टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर अब देखो इस सवाल के जो आंसर है बेटे वो एप्रोक्स हैं सवाल के जो आंसर है ना वो एप्रोक्स हैं है कि नहीं जैसे पाई का मान बाईस बटे सात होता है रेडियस कितनी है दस अब एल प्लस आर कितना है एल प्लस आर एल छब्बीस है आर चौबीस है, है भाई तो छब्बीस और चौबीस पचास फिफ्टी आ गया पचास ओके, एल प्लस आर छब्बीस प्लस चौबीस पचास अब देखो सात से कटने वाला तो है नहीं तो बाईस बटे सात की अप्रोक्स वैल्यू लिख लेता हूं बाईस बटे सात क्या होता है थ्री पॉइंट वन फोर पाई को थ्री पॉइंट वन फोर भी कहते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर ये आ जाएगा थ्री पॉइंट वन फोर यहां पर आर और रह गया बेटा आर आपका सॉरी चौबीस है आर आपका चौबीस है यहां पर गड़बड़ हो गई पाई का मान 3.14 रेडियस आपकी 24 है 24 और l r कितना आ जाएगा l r आएगा 26 और 24 50 तभी तो कहेंगे कि ये तो बहुत दूर आ रहा है इससे गलत तो नहीं सवाल तो 50 24 1200 1200 किस में गुणा करनी है तो 1200 तिया 3600 3600 से बड़ा आएगा 3600 से बड़ा ये आंसर नहीं है फिर 1200 की 24 50 1200 होता है ना बारह सौ की मेरे दोस्तों आप गुणा करोगे पॉइंट वन फोर में तो बारह गुणा चौदह क्या आएगा बारह गुणा चौदह आएगा वन सिक्सटी एट वन सिक्सटी एट ठीक बेटा तो यानी कि थ्री सेवन सिक्स एट थ्री सेवन सिक्स एट के नजदीक आएगा थर्टी सेवन के नजदीक आएगा आंसर है ए ऑप्शन ए ऑप्शन सवाल का आंसर है गजब का सवाल इसमें भी आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी तो ही आपका आंसर आ पाएगा सवाल नंबर सैतालीस जी उस त्रिभुज का एरिया ज्ञात करिए जिसका परिमाप 110 सेंटीमीटर है और भुजाओं का रेशियो साइड का रेशियो दो चार पांच है तो भाई मुझे परिमाप दिया है परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग यहां से मैं त्रिभुज की भुजा निकाल सकता हूं अगर भुजाओं का रेशियो दो चार पांच है तो दो चार छह पांच ग्यारह तो भैया रेशियो में पेरीमीटर ग्यारह हो जाएगा ग्यारह की वैल्यू सवाल में एक सौ दस सेंटीमीटर दे रखी है दस गुना तो दो की वैल्यू भी दस गुना होगी बीस चार की वैल्यू भी दस गुना होगी चालीस और पांच की वैल्यू भी दस गुना होगी पचास तो बीस चालीस पचास क्या है त्रिभुज की साइड्स हैं भुजाएं जोड़ेंगे तो एक सौ आ जाएगा अब तीनों भुजाएं अगर किसी त्रिभुज की दी हो तो एरिया निकालने के लिए क्या लगाते हैं फॉमुला एस, माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अब अगर दोस्त मैं यहां से सेमी निकालो तो सेमी सेमीपेरीमीटर क्या आएगा पेरीमीटर का आधा 110 का आधा 55 आप बोलोगे हां जी सर तो एरिया क्या आएगा अंडर रूट एस यानी कि 55 इंटू एस माइनस ए पचपन माइनस बीस पैंतीस एस माइनस बी 55 माइनस चालीस पंद्रह एस माइनस सी 55 माइनस पचास पांच आएगा देखो मेरे दोस्तों पांच 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 सभी से पांच 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 आएगा तो क्या आएगा अनूट के बाहर पच्चीस बचेगा चार बार पांच हो गया तो बाहर जब अनूट लेंगे तो दो बार पांच आएगा पांच पच्चीस पच्चीस अंदर क्या बचेगा पचपन में से पांच निकाल लेंगे ग्यारह पैंतीस में से पांच निकाल लेंगे सात पंद्रह में से पांच निकाल लेंगे तीन और ग्यारह गुणा इक्कीस मुझे ऑलरेडी पता है दो सौ इकतीस यानी कि 25 अंडर रूट दो से इकतीस सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है बी ऑप्शन आसान सवाल था हेरो केवल इस क्वेश्चन में आपको लगाना था आप यह भी देख सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर यहां ग्यारह बच रहा है सात बच रहा है तो वो ऑप्शन भी पिक कर सकते हो और पांच तो आएगा ही आएगा ठीक है ना कैलकुलेशन में मुश्किल नहीं है आगे चलते हैं बोला है हैमी स्फेयर का डायमीटर तिरसठ सेंटीमीटर है तो हेमी स्फेयर का वॉल्यूम क्या है देखो वैसे तो ये सवाल बड़े आसान लगते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस कर लेंगे लेकिन इनके ऑप्शंस देखो आप कैलकुलेशन नहीं होती ये सवाल लेने का परपज ये है कि अगर आप इन सवालों को सॉल्व करने लग गए तो ये आपका पूरे पेपर का टाइम टाइम पी जाएंगे ऐसे सवालों को हमको केवल ऑप्शन से ही करना है या फिर छोड़ना है बात आई समझ में अब देखो आप मुझे बताओ हेमी का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है का वॉल्यूम होता है टू बाई थ्री पाईआर क्यूब हेमिसफेयर का वॉल्यूम होता है टू बाई थ्री पाई आर क्यूब पाई का मतलब बाईस बटे सात आर क्यूब ठीक है बेटा आर क्यूब यानी कि ये तो डायमीटर है तिरसठ ये डायमीटर रेडियस कितनी होगी तिरसठ बटे दो रेडियस क्या होगी तिरसठ बटे दो का क्यूब ये है ये मेरे को करना है सॉल्व देखो वैसे भी ये नीचे तीन सत्ते किसे किस तिरसठ को काटेगा तो ये इजीली कैलकुलेशन तो होगी आंसर एग्जैक्ट आएगा सबसे पहले 22, 22 में छुपा होता है 11, आंसर 11 से कटेगा तिरसठ की पावर थ्री है तिरसठ में सात आता है आंसर सात से भी कटेगा तिरसठ में तीन भी आता है तीन की पावर तीन है अब नीचे मेरे दोस्तों तीन है यानी कि आंसर नौ से कटने वाला भी होगा तो सबसे पहले बाईस में आता है ग्यारह ग्यारह से कटने वाला नंबर देख लेते हैं सात से तेरह और चार सत्रह दो पांच पांच दस ये बारह ग्यारह से नहीं कटता छह तीन नौ चार तेरह और एक दो तीन पांच आठ तेहरे आठ का डिफरेंस पांच है ग्यारह से नहीं कटता छह चार दस आठ अठारह पांच और आठ तेरह पांच अठारह ये नंबर मेरे दोस्तों ग्यारह से कटता है छह दो आठ छह चौदह और नौ चार तेरह पांच अठारह चौदह अठारह का डिफरेंस चार ये भी ग्यारह से नहीं कटता तो मात्र सी ऑप्शन ऐसा है जो ग्यारह से कटता है ग्यारह का नियम आप जानते हैं इवन प्लेसेस और प्लेसेस के जो है यहां पे डिफरेंस चेक करते हैं बात खत्म मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा सवाल को आगे चलते हैं जी भाई साहब एक काम अमित सुमित और विनीत ने मिलकर पूरा किया ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं कर दो भाई अमित सुमित ने सत्तर परसेंट हिस्सा किया है सुमित विनीत ने पचास परसेंट किया है तीनों में कौन मोस्ट एफिशिएंट है सबसे फास्ट कौन है तीनों में तो देखो टोटल वर्क क्या होता है हंड्रेड परसेंट या एक तीन लोग हैं तीन लोग हैं अमित सुमित और विनीत इन तीनों ने मिलकर 100 परसेंट काम पूरा किया 100 परसेंट काम पूरा किया अब सवाल ये बोला है कि अमित सुमित ने 70 परसेंट किया है ये जो अमित और सुमित हैं इन दोनों ने 70 परसेंट किया है तो बाकी कितना बचा 100 में से 70 परसेंट अमित सुमित ने किया है तो बाकी का 30 परसेंट सौ में से 70 घटाओ बाकी का 30 परसेंट विनीत ने किया होगा विनीत ने ऐसी बोला सुमित और विनीत ने पचास परसेंट किया यह सुमित और विनीत ने काम का पचास परसेंट किया पचास परसेंट सुमित विनीत ने किया है तो बाकी का पचास परसेंट अमित ने किया होगा तो आप बताओ फिर सुमित ने कितना किया होगा पचास तीस अस्सी होता है अस्सी और बीस सौ सुमित ने बीस परसेंट किया होगा तो जब तीनों ने काम किया है तो अमित ने पचास परसेंट किया विनीत ने तीस परसेंट सुमित ने बीस परसेंट सबसे ज्यादा तो कम एफिशिएंसी इनमें सुमित की सुमित सबसे कम काम करता है, है जिसकी एफिशियंसी सबसे कम होगी वो सबसे कम काम करेगा तो यह सवाल बहुत ईजी था ऐसा सवाल मैंने शॉर्ट्स में पहली बता रखा है जी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन के लिए केवल और केवल पी वाई क्यू इंपॉर्टेंट है ईयर क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के अलावा मॉक टेस्ट में जो सवाल आपको नए मिल जाते हैं आप उनको तो कर लो उनके अलावा कोई नया सवाल लगाने की आपको जरूरत नहीं है

तो ये देखो मैं सीके की टी शर्ट पहनता हूँ ना सीके का क्या मतलब कॉन्सेप्ट किंग है ना मैं इसका ब्रांड एम एस ना टी शर्ट का तो भाई अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है प्रैक्टिस करना चाहता है तो हमारी इन बुक से प्रैक्टिस करे मार्केट में सबसे बढ़िया प्रैक्टिस सोर्स मटेरियल है मैं बार बार ये चीज क्यों कहता हूँ क्योंकि इन बुक्स में कोई टाइपिंग एरर नहीं है हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंग वाल हैं चैप्टर वाइज किताबें हैं बढ़िया सोल्यूशन है ठीक है और लिमिटेड सवाल डाले गए एक टाइप का एक या दो क्वेश्चन आपको मिलेगा कोई भी टाइप मिस नहीं किया गया है ठीक है ना सवाल कम सवाल में आपको ज्यादा आउटपुट देखने को मिलेगा सारे क्वेश्चन नहीं डालें सारे क्वेश्चन आप डालोगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे बहुत मोटी मोटी किताब हो जाएंगी एक डेढ़ महीने में आराम से आप खत्म कर लो अगर आप डेली साठ सत्तर सवाल सॉल्व करने का भी टारगेट बना लो और इतना तो आपको करना ही पड़ेगा ये सारी बुक्स आपको अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी टाइम टाइम पर सेल आती रहती है जिसमें बहुत कम प्राइस में आपको ये बुक्स मिल जाती है ठीक है हर छोटे शहर बड़े गांव में जो है बुक्स पहुंच जाएंगी ईजिली ठीक है लेकिन ऑनलाइन मंगाने से बेहतर है कि आप अपने पास के जो बुक स्टोर है वहां से जाके बुक लीजिए बुक स्टोर पर नहीं है तो उससे मंगवा लीजिए वो मंगवा के आपको देगा बुक ठीक है और इसी के साथ हम एस एस सी जी डी दो हजार चौबीस का आखिरी जीडी का, का पेपर छप्पन में हुआ हर शिफ्ट में बीस सवाल आए यानी कि लगभग बारह सो क्वेश्चन हो गए और बारह सौ में से मेरे दोस्तों केवल आपको पचास क्वेश्चन कराए फायदा आपको बारह सो क्वेश्चन के बराबर ही हुआ ठीक है तो आपकी जिम्मेदारी बनते हैं आप लोग है ना आप भी गरीब है दूसरा भाई भी गरीब है, आपकी भी एवरेज है उसकी भी एवरेज है, भी? आपको भी की है, उसको भी है। तो अपने भाइयों के साथ शेयर करें ज्यादा से ज्यादा ठीक है अगले साल जो बच्चे जी के पेपर देंगे उनके लिए बहुत काम की है सवाल देखो एक व्यापारी ने एक सोफा सेट उनतालीस के लाभ पर बेचा एक डीलर ने एक सोफा बेचा है थर्टी नाइन परसेंट के प्रॉफिट पर बोला है यदि उसने पंद्रह सौ पैंसठ रुपए कम में बेचा होता अगर पंद्रह सो पैंसठ रुपए कम में बेचता तो उनतीस परसेंट का लाभ होता ट्वेंटी सेवन परसेंट प्रॉफिट कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए देखो लाभ किस पे होता है बेटा सीपी पे क्रिय मूल्य पे क्रिय मूल्य कितना होता है हंड्रेड परसेंट बताओ व्यापारी ने एक सोफा बेचा थर्टी के लाभ पर अगर पंद्रह रुपए कम में बेचता तो 29 परसेंट लाभ होता यानी कि 39 परसेंट की बजाय 29 परसेंट लाभ होता 10 परसेंट कम प्रॉफिट होता क्यों कम प्रॉफिट होता अगर आप सोफा सेट को पंद्रह रुपए कम में बेचते यानी कि 10 परसेंट की वैल्यू ही पंद्रह रुपए के बराबर है सीपी का 10 परसेंट ही पंद्रह है तो यानी कि क्रिय मूल्य का एक परसेंट कितना है क्रिय मूल्य का एक परसेंट है दस से भाग देंगे एक सौ छप्पन पॉइंट पांच क्लियर है पहले उन्तालीस परसेंट का लाभ है अब आपको उन्तीस परसेंट लाभ है लाभ दस परसेंट कम हो गया क्योंकि आपने पंद्रह सौ पैंसठ रुपए कम में बेची वस्तु सत्ताईस परसेंट का लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए सीपी सौ परसेंट है सौ परसेंट पे अगर सत्ताईस परसेंट का लाभ हमें कमाना है तो वस्तु को एक परसेंट में बेचना पड़ेगा यानी कि एक परसेंट की, की वैल्यू है हमें एक 127 परसेंट की वैल्यू निकालनी है तो 127 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये मेरे दोस्तों कैलकुलेशन हो जाएगी ऐसा नहीं है कि पहले आप सीपी निकालो फिर सत्ताईस परसेंट निकाल के जोड़ो वो भी कर सकते हो आप ठीक है लेकिन डायरेक्ट एक की वैल्यू निकाला करो देखिए यहां पॉइंट से छोटा, एक से बड़ा है। आप यहां पे अप्रोक्स भी लगा सकते हैं कि अप्रोक्स किसके नजदीक आएगा आंसर ठीक है आप यहां पर डिजिटल सम भी लगा सकते हैं जो आपको पसंद आए वो कर लीजिए जैसे मैं डिजिटल सम लगा लेता हूं एक पांच छह छह बारह बारह पांच सत्रह एक पांच छह बारह पांच सत्रह सत्रह के अंकों को फिर से जोड़ दीजिए आठ मल्टीप्लाई सात दोनों कट गया वन यानी कि एट इंटू वन आठ डिजिटल सम आया है जो भी है आंसर है उसका डिजिटल सम आठ है यहाँ डिजिटल सम कितना है नौ आठ एक नौ कट गया पांच पांच दस सात सत्रह सत्रह मतलब आठ सत्रह के अंकों को जोड़ेंगे आठ डिजिटल सम या पांच चार नौ ये दो और एक तीन इसका डिजिटल सम तीन है ये गलत हो गया तो सवाल का आंसर क्या आ गया सी ऑप्शन आ गया या भी करी जा सकती थी। लेकिन चाहे मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई करना कोई समझदारी का काम है नहीं बेटा हम कोई बंधुआ मजदूर थोड़ना है इंसान ने कैलकुलेटर बना लिया है एग्जामिनर ने ऑप्शन दिया है खोपड़ी में दिमाग है तो भाई हम कम से कम एफर्ट में जो है जीवन आसान चाहते हैं कम से कम कैलकुलेशन में आंसर हैं, और वही फायदा है इन वीडियो को देखने का कि सवाल की एक्चुअल एग्जाम अप्रोच आपको सीखने को मिलती है ठीक है भाई तो ये थे मेरे प्यारे भाई बेस्ट फिफ्टी क्वेश्चन दो पार्ट में मैंने आपको करवाए हैं पार्ट वन जिसमें पच्चीस सवाल थे पार्ट टू जिसमें अगले पच्चीस सवाल थे ठीक है ये वीडियो बहुत ज्यादा फायदे की है सीजीएल जी सीपीओ सिलेक्शन पोस्ट वाले बच्चों के लिए और रेलवे वालों के लिए खासकर अगले साल के जीडी वाले बच्चे तो जो 2025 का जीडी का पेपर देंगे वो तो इस वीडियो को जरूर देखें शुरू से आखिर तक आपको हमारे सॉल्यूशन ये सेशन कैसा लगा वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं ठीक है भैया और भी कोई नया पेपर होगा तो मैं उसके बेस्ट क्वेश्चंस छांट के आपको जरूर करवाऊंगा इसकी पीडीएफ भी साथ में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दी गई है टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ मैथ्रताप आप हमारी बुक को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो सारी बुक्स का लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है बहुत बहुत धन्यवाद भाई